आपने एंटीसीडेंट्स का जिक्र किया है कि अच्छी उसकी रेपुटेशन वाला होना चाहिए, 15 पर्चे उसके ऊपर होने चाहिए तो फिर बेल नहीं मिलेगी कि ही नीड्स टू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर ये? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. द जजेस दे डू नॉट, द क्रिमिनल जजेस, द जजेस वर्किंग ऑन द क्रिमिनल साइड विद एक्सपीरियंस, वो मियर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs को वो कहते हैं दिस इज मियर रजिस्ट्रेशन. हैज द गिल्ट बिन प्रूव्ड? हैज इट बिन प्रूव्ड? तो वो मियर रजिस्ट्रेशन को अ फैक्टर लेते हैं, नॉट द फैक्टर. इफ दे आर अदर कन्विंसिंग ग्राउंड्स इनलार्जिंग द अक्यूज्ड ऑन बेल, देन मियर रजिस्ट्रेशन ऑफ नो मैटर हाउ मेनी केसेस वुड नॉट कम इन द वे. इट इज ओनली कन्विक्शंस. और बोला जाता है सो सेटल्ड रूल आंसर आपके सवाल का यही है. तो सबसे पहले मैं आता हूं कि एक बात आपने जो समझनी बहुत जरूरी है, प्री और पोस्ट 498 और 497 की डायमेंशंस, उसका एंगल, उसकी प्रेपरेशन इज टोटली डिफरेंट. 498 में जजेस आपसे सिर्फ दो सवाल पूछेंगे और आपको उन दो सवालों के जवाब देने हैं. उन्होंने यही पूछना है प्री अरेस्ट में. मैं बोलूंगा नहीं, PLD 15 को करेक्ट करें. अभी आप सामने जो स्लाइड पर चल रही है, बता दें मुझे किस करेक्ट साइटेशन क्या है, SC है या क्या है जी. तो दो सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट इज द मेलाफीडे, व्हाट इज द अल्टीरियर मोटिव. आपने प्री अरेस्ट बेल में अपनी तैयारी सबसे पहले, वेन एवर यू आर असिस्टिंग द कोर्ट्स, अभी मैं वर्बली की बात कर रहा हूँ, ड्राफ्टिंग पर बाद में आऊँगा, आपने सबसे पहले आपने प्री अरेस्ट बेल में आपने द बैकग्राउंड ऑफ द पिटिशनर, वेरी ब्रीफली द एलिगेशंस एंड व्हाई ही शुड बी सेव्ड फ्रॉम एन अरेस्ट विच इज बीइंग सॉट on flimsy grounds in the absence of any cogent reasons for ulterior motive and mala fide intent. So jo test hai, settled test hai, which judges apply on cases of pre-arrest bail is mala fide and ulterior motive. Wo bata dein to we will grant you pre-arrest bail. Main kehna ye chahunga ki mala fide aur ulterior motive ka डायरेक्ट नेक्सस और कनेक्शन है विद द प्रिंसिपल, सेटल्ड प्रिंसिपल, टाइम टेस्टेड. PLD 2015 सिंध है, ये सिंध है 20. सो थैंक यू वेरी मच. सो लेटेस्ट केस लॉ, लेटेस्ट ट्रेंड्स प्री अरेस्ट पर आपके पास मौजूद होने चाहिए. और प्री अरेस्ट क्यों देनी चाहिए, जो मेरे पास ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं. नंबर वन, प्री अरेस्ट इसलिए देनी चाहिए कि प्रिमा फिशाए देर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स दैट द पिटिशनर हैज कमिटेड द ऑफेंस. अरेस्ट इज बीइंग सॉट फॉर अल्टीरियर मोटिव्स, मेला फीडे इंटेंशंस, बट इट्स नॉट जस्ट द स्टेटमेंट, यू हैव टू प्रूव इट. बेल नहीं मिलेगी आपको, आपको बेल नहीं मिलेगी जब तक आप कन्विंसिंगली आप बताए ना कि मेला फीडे और अल्टीरियर मोटिव क्या है. पूरे केस में आइडेंटिफाई करें उसको. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वकला अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि जज साहब पूछ क्या रहे हैं. और ये सबसे गलत स्ट्रेटजी होती है कि सर मैं उसका जवाब भी दूंगा, पहले मेरी बात सुन लें. सबसे बुरी बात, अगर एक मुनसिफ आपसे पूछ रहा है सेटिस्फाई मी ऑन अ पॉइंट, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, और आप कहें नहीं पहले मेरी सुने, आंसर द क्वेश्चन व्हेन इट इज, व्हेन यू कम फेस टू फेस विद अ क्वेरी, विद अ क्वेश्चन ऑफ द जज, सेटिस्फाई हिम फर्स्ट. सो पहला सवाल ही आपसे यह पूछा जाता है कि आप क्यों ये प्री अरेस्ट फाइल करें. मैं ये भी आने से पहले अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था कि वी मस्ट ऑल्सो ऑलवेज वे अप तीन चीजें.
आपके आने आपसे आने से पहले एक पार्टी मेरे पास आई और कहती है आपसे एक मशवरा लेने आए हैं, हमें ये बताया गया है, हमें यकीन है आप सिंसियर एडवाइस देंगे। मैंने कहा सवाल पूछे, ने मेरे आगे केस रखा। उन्होंने कहा ये हाई कोर्ट ने प्री अरेस्ट खारिज कर दिए जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट जाना है आप लेकर जाएं। मैंने सारा केस देख लिया, मैंने कहा मैंने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। नहीं बनती तो है, मैंने कहा वो ना सुनना चाहें आप जो आप सुनना चाहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट यू वांट टू हेयर। मैंने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना और आपने कहा सिंसियर एडवाइस आपने नहीं जाना, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर पोस्ट अरेस्ट जो इजीली हो जानी है 337A3 के केस में, आप अपनी पोस्ट अरेस्ट भी सुप्रीम कोर्ट से ही कराइएगा आज से 5-6 महीने के बाद, कि सुप्रीम कोर्ट की आप मोर लगवा के आएंगे इसके ऊपर। सो ऑलवेज वे अप द ऑड्स, क्या प्री अरेस्ट फाइल करनी है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुड पोस्ट अरेस्ट बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एक्यूज्ड कॉट रेड हैंडेड फ्रॉम द स्पॉट। मुलजिम तो अक्सर दीवाना होता है, उसके रिश्तेदार भी। नहीं जी बेल फाइल करें, यू हैव टू बी कन्विंस्ड फर्स्ट कि मेरा रूट बनता है जस्ट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर क्लाइंट इवन इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट हिम। आपने ये बेल एप्लीकेशन नहीं फाइल करनी, आपने नहीं करनी, आप रिफ्यूज कर दें मैं कन्विंस्ड नहीं हूं, कहीं और से करवा लो। और आप यकीन करें मैं जिसको सिंसियर मशवरा देकर वापस भेजता हूं ना, अपने मुंशी साहब को मैंने गिला किया आज से 5-6 साल पहले, केसेस की इंटेक बहुत कम है, कहता है आप खरी बातें करनी बंद कर देना सर, केसेस ही केसेस। तो मैंने कहा आप साफ साफ बात कर देते हैं, पार्टी फिर नहीं सुनना चाहती, पार्टी झूठ सुनना चाहती है, वो अश्योरेंस चाहती है, वो वहाँ जाके बैठती है जहाँ उनको वो अश्योरेंस मिलती है। तो मैं उसकी बात सुन के ठंडा सा पड़ गया कि इसने क्या बात की है। कुछ ज़्यादा देर नहीं लगे, अल्लाह ने मेहरबानी की, एक पार्टी आई और कहती है आपसे केस करवाना है और सुनना है क्योंकि आप सच्ची और खरी बात करते हैं। मैं क्या रुक जाओ एक मिनट, टल्ली देती पहले बुलाओ उन्हें अंदर वापस। तो मैंने कहा आप लोगों को सिंसियर एडवाइस दें, वो यूँ घूम के जब वो उनको थप्पड़ पड़ते हैं ना बाहर से कहीं से तो घूम के आते हैं कि आपने सही बात की थी, वो जो रिस्क आपका है वो आना है आपकी तरफ, वो पार्टी को गुमराह करके उनको ख़राब करके जो उनके हक में नहीं बनती आप वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ। सो मैं अभी अभी सुप्रीम कोर्ट जाना, पार्टी बहुत खुश थी, हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, आपसे यही सुनना चाहते हैं। मैं क्या, और मुझे यकीन है वो कहीं ना कहीं जाके बैठेंगे, उनको अफाका नहीं होगा मेरी बात से, उनको आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट जाना, तो उन्होंने कहीं बैठना है और किसी ने उनको ले जाना है और सब्ज़ बाग दिखाना है। सर आपने कहा अल्टीरियर मोटिव्स और मैलेफिडे नजर आने, ये क्या होती है चीज और किस नौईयत की चीजें हो सकती? बड़ी अहमद कयूम साहब का पूछने का अंदाज बहुत मासूमाना होता है मगर उसके अंदर इतनी विजडम है। 1962 की जजमेंट है, मजर से मंगवा ले, मैलाफिडे जहाँ एक्सप्लेन हुई कि मैलाफिडे आर क्रिमिनल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड विद बैड फेथ, ये शुरू वहाँ से होता है सर, बैड फेथ से ये चीज़ें निकली। वो जजमेंट मंगा लो जी, हम शेयर कर लेते हैं सारी, वो फैसले ज़रूर देख लीजिएगा। पहली दफ़ा फिर पकड़े जाएंगे, पहली दफ़ा फिर प्री अरेस्ट नहीं होगी क्योंकि पहले कभी मुकदमा ही नहीं। हाँ सही बात है। सो आपने बैड फेथ लाना है कि ये बैड फेथ से, बैड फेथ क्योंकि जैसे अब कहने का ही मतलब है अल्टीरियर मोटिव और मैलाफिडे इंटेंशंस, बाज जुमलों के ना हम स्लेव्स बन चुके हैं। जैसे एक जुमला है, एक्सप्रेशन है, जो मर्जी कर लो जो मर्जी कर लो उसका नेमो बदल नहीं आया, ये यूज करते हैं इरेपरेबल लॉस। मुझे उसकी समझ तब आई व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। मैंने कहा ये मेरे लिए ना, हम जो सिविल लॉयर्स इस्तेमाल करते हैं इरेपरेबल लॉस, मुझे उस दिन समझ आई और आज दिन तक समझ आए कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे क्रिमिनल में हम एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट,
बड़ी कोशिशें हुई इस पर, इंग्लिश जजेस ने कहा चेंज करते हैं ना, वैरायटी देते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के अलावा भी कोई एक्सप्रेशन देते हैं। तो एक एक्सप्रेशन आया, बड़ा करीब आया, यू आर सेटिस्फाइड सो दैट यू आर श्योर। कुछ साल जजों ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की रिप्लेसमेंट रखी यू आर सेटिस्फाइड सो दैट यू आर श्योर, फिर उन्होंने कहा नो, शक का साया भी ना आए, शक का साया भी ना आए। मुझसे मेरे प्रोफेसर ने पूछा था इंग्लैंड में बीपीपी लॉ स्कूल में, इफ यू आर अ जज यू आर श्योर 99.9% ही इज इनोसेंट, व्हाट वर्डिक्ट विल यू ब्रिंग? मैंने कहा सर नॉट गिल्टी। दैट्स राइट, क्योंकि मैंने कहा 99.9.1% का मतलब साया। और ये मैं आपको बता दूं, बहुत डिस्टर्बिंग बात कहने लगा हूं ऑन कैमरा, मैंने पाकिस्तान में शायद ही कोई केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित होते देखा। ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, सिविल के स्टैंडर्ड पे क्रिमिनल केसेस यहां पर डिसाइड होते हैं। कोई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि हमारे पास वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, वो मेथड्स नहीं है, वो रिलायंस जो है वो ओल्ड स्कूल पर है, न्यू मेथड्स नहीं अडॉप्ट हो रहे। देखिए ना, मैं आया और ये मैं करके चला गया, कई दफा कहता हूं ये चार कैमरे, चश्मदीद गवाह, ये मेरा फिंगरप्रिंट, ये मेरा डीएनए, ये मेरे मोबाइल फोन की सीडीआर, आंखों देखिए आल को, ह्यूमन इंटरवेंशन को निकाल दें बाहर, 161 के बयानों को, रिपोर्टें लाएं एक्सपर्ट्स की मैं आया था यहां, फिल्म लाएं मैं आया था यहां, उसमें से कोई निकल के दिखाए तो पता चले। तो वी नीड अ शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमन एविडेंस, प्योरली ह्यूमन एविडेंस इन एवरी केस। मोटिव है वो भी ह्यूमन ही आके बताएगा, चश्मदीद गवाह आएगा, पहले सिनेमा का शो बैठेगा, फिर मर्डर होगा। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे, हमने देखा हमारे देखते देखते कोई बाहर से लोग आ जाएं तो वो हंसना शुरू हो जाए। इसीलिए मैं अहमद कयूम साहब को भी कह रहा हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म्स हम रखें आगे कि ये चीजें कर दें। और उधर आजम नजीर तारड़ साहब बैठे, उनसे तो कोई चीज छुपी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में एहसन भून साहब बैठे, हर बात फौरन उठाई जाएगी कि ये बात दुरुस्त है, निजाम को बेहतर करें, पुलिसिंग को बेहतर करें, इन्वेस्टिगेटिंग के निजाम को बेहतर करें। दीज आर द बेस्ट सूटेड हमारे प्रोफेशनल लॉयर्स ऑक्यूपाइंग द मोस्ट प्राइम पोजिशंस टू ब्रिंग अबाउट द मच नीडेड चेंज इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। वी नीड रिफॉर्म्स, और ये ताकि सारा निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाए। मैं प्री अरेस्ट बेल पर वापस दोबारा आऊँगा, टाइम अप चूँकि कम है, मैं वेरी क्विकली मैं आगे जाता हूँ। प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल इसलिए भी दी जाती है कि आपने बाहर निकल के खोसा साहब की जजमेंट्स हैं, अपना डिफेंस तैयार करना है। देर इज नो यूजफुल, जो प्रिंसिपल्स लिए जाते हैं पहले प्री पर ही रहते हैं, मेलाफीडे, बैड फेथ, अल्टीरियर मोटिव, फर्दर इंक्वायरी, हेल्थ इज ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स आर ऑल्सो, वॉट इज टू बी इफेक्टेड, वॉट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज कस्टडी। जैसे हम शहबाज गिल के केस में एक ही बात कहते रहे, शहबाज गिल की स्पीच थी, डॉक्यूमेंटेड थी, ओन्ड थी, पीएफएसए की रिपोर्ट थी, वॉइस मैच थी, तो गिरफ्तारी और रिकवरी रिमांड में किस चीज की लेनी है, किस चीज, जुबान की फर्द मकबूज की बनानी है? नहीं बनती उसकी। जब ओन्ड है स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेड है, तो बात खत्म होगी। मगर बड़ा टाइम लगा उसमें, बहरहाल विल कीप इट फॉर, ओ यस, यू हैव यू सीन दैट मूवी?
लेटली एक नया ट्रेंड आ गया है, मैं कहता हूँ ना सीजन आते हैं, आजकल एक नया सीजन चल रहा है, स्पीचेस, अट्रेंसेस, आउटबर्स्ट्स, के पहले तोलो फिर बोलो। आजकल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस का बहुत ज्यादा, उधर कंटेम्प्ट का भी, क्योंकि लोग कुछ भी बोल देते हैं। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू से टू पब्लिक, ऑन कैमरा, ऑन माइक, यू हैव टू बी केयरफुल। थोड़ा सा हम आगे हैं। हाँ जी सर। मैं एक बात प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन के हवाले से मैं आपको दो तीन टिप्स दूंगा, आप उसको नोट कर ले मेरी बात को जो मैं कहने लगा। प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन में सबसे पहले तो आपने ये देखना है और पता होना चाहिए कि इवन इफ दी ऑफेंस की ज्यूरिस्डिक्शन अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट की है तो द मैजिस्ट्रेट कोर्ट लैक्स द पावर फॉर द ग्रांट ऑफ प्री अरेस्ट बेल। इट हैज ऑलवेज ओनली द कोर्ट ऑफ सेशंस और द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड। अफजल जुल्ला साहब की एक जजमेंट है कि आप कंकरेंट ज्यूरिस्डिक्शन है प्री अरेस्ट की, हाई कोर्ट भी डायरेक्टली आ सकते हैं मगर वो डिस्करेज किया जाता है नॉर्मली। जब आप बेल एप्लीकेशन अपनी तैयार करते हैं प्री अरेस्ट, एक तो इस बात का बहुत खास ख्याल रखें कि अपने जुर्म पूरे लिखें, जुर्मों में कोताही ना बरतें, कंप्लेनेंट को जरूर पार्टी बनाएं, नेसेसरी पार्टी है। ख्वाजा शरीफ साहब के दौर से ये शुरू हुई थी जब वेन ही वॉज द चीफ जस्टिस। स्टेट को बनाएं अंडर द राइट सेक्शन 498, स्पेशल लॉ है तो इनेबलिंग प्रोविजन साथ में ज़रूर लगाएं, दहशतगर्दी है तो 21D है, नारकोटिक्स है तो 51 है। साथ जो इनेबलिंग प्रोविजन, कोई स्पेशल कोर्ट की अगर बेल है तो उसको साथ में आपने नज़र ज़रूर दौड़ानी है अपने सब्जेक्ट में। हम एक काम करते होते हैं प्री अरेस्ट बेल में, दो तीन लोगों ने मुझे उसकी बड़ी तारीफ की कि ये एक आपकी ड्राफ्टिंग में मुख्तलिफ चीज़ हमने नोट की है। हम ग्राउंड नंबर 1 में हम बुलेट पॉइंट्स दे देते हैं, पिटिशनर स्टैंड्स इम्प्लीकेटेड ऑन दिस एंड दिस, प्री अरेस्ट बेल इज बीइंग सॉट मेनली ऑन द ग्राउंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच। उसमें सबसे ज्यादा आसानी मेरे एसोसिएट्स के लिए होती है कि सर नोटिस हम करवा के आते हैं, मैं कहता हूँ जाओ ये आपका कॉन्फिडेंस है कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं जिन पर हमने नोटिस करवाना है। उसके बाद आप एफआईआर की स्टोरी पर आए, सो अपने केस को समराइज करें, जो आखिरी दिन बैठ के फटाफट नोट्स बनाते हैं ना कि मैंने बेल इन बुलेट पॉइंट्स पे लेनी है। श्याम सरवर चौधरी साहब मौका नहीं देंगे और वन वन लाइनर सुनेंगे, वो वन लाइनर्स अपने पहले पैराग्राफ में 1 2 3 4, जज साहब रात को माइंड लिखा होता है अपने कोड वर्ड्स में, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है अगले दिन, रात को जेन बना होता है बेल देनी है नहीं देनी। मैं उन लोगों से डिसएग्री करता हूं जो बेल में लिखते ही कुछ नहीं, रात को भी जेन ना बनाया, सुबह भी आमद ना हुई, आमद तो फिर आमद होती है ना, कभी होती है और कभी नहीं होती, तो ना रात को आपने लिख कर दिया ना बोल के बताया, तो मौजे तो कम ही होते हैं। पिछले दिनों मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब देख लिया इसमें जो लिखा है, ड्राफ्टिंग खत्म हुई पड़ी है पाकिस्तान से। मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस कोर्स के बाद, इस कोर्स के बाद अपनी ड्राफ्टिंग नहीं आपने खत्म करनी। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता देता हूं, बड़े डायरेक्ट रेलेवेंस है उसकी। चीफ जस्टिस अतर मनेला साहब के पास मैंने क्वाशिंग ऑफ एफआईआर डाली दहशतगर्दी की ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान, मेरी ग्राउंड ए थी कि पहली दफा मैंने ऐसी एफआईआर देखी है जो सिर्फ 788 के अंदर है, अकॉम्पनिंग पाकिस्तान पीनल कोड का ऑफेंस नहीं लगाया हुआ कोई भी। गहरी बात थी थोड़ी सी कि इन हेस्ट एब्यूजिंग द प्रोविजन ऑफ 788
इन शियर वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस दहशतगर्दी क्या है, आपने वाहिद फर जो जुर्म लगाया वो 780 लगा दिया, फाइल हो गई, नोटिस हो गए, प्रोटेक्टिव बेल हो गई, नीचे बेल हो गई, हाय 14 दिन के बाद प्रोसिक्यूशन ने 4 जुर्म पीपीसी से उठा के तो लगा दिए नए फॉर द फर्स्ट टाइम, एडिशनल लगा दी। जिस दिन एडिशन लगाए मैंने अगले दिन एक सीएम मूव की और सीएम में अपनी ग्राउंड ए रखी कि मेला फीडे और अल्टीरियर मोटिव ये कि ये पहले दिन भी नो ऑफेंस का केस था, आज भी पुलिस पर्चा रजिस्टर कर रही है और पुलिस ही इग्नोरेंट है कि ये जुर्म उन्होंने देखे ही नहीं, पढ़े नहीं, जो नहीं बनती वो लगा दिए, जो बनने चाहिए थे वो लगाए ना। मुझे अतर मेदिल्ला साहब ने कहा आपने सीएम क्यों मूव किए, मैंने कहा सर इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होगी जब मैं केस आर्ग्यू करूँगा तो चले लिखें जी वो कि सीएम आ गई है। आके जिस दिन क्वेश्चन का केस आर्ग्यू हुआ है प्रोसिक्यूटर ने कहा सर ये 5 जुर्मों का ऑफेंस है ये केस है। मैंने कहा सर हर मुकदमे में मैं बड़ा पर्टिकुलर होता हूँ कि मेरी ग्राउंड ए क्या है, आप मेरी पिटिशन की ग्राउंड ए पढ़ें और मेरी सीएम की ग्राउंड ए पढ़ें और मिला के पढ़ें कि मेरा पहला पॉइंट था इनके केस का ये फ्लॉ है, क्वेश्चन मूव करने के बाद इनकी वीकनेसेस मूव करने के बाद जाके उसको इन्फर्मिटीज शॉर्टकमिंग्स लकूनास को कवर अप करने के लिए मेरी पिटिशन की रोशनी में दुरुस्त करके तो आज कह रहे हैं 5 जुर्म है, मैं नई पिटिशन फाइल करूं, ये जुमला आपकी कोर्ट में ना बोले। सो दैट वर्क्ड, ड्राफ्टिंग वर्क्ड, सीएम वर्क्ड, हम नई सीएम फाइल करते, जितने कागज लगा दिए उतने ही काफी, ज्यादती होती है। फिर तैयारी जो है ना वो मुख्तलिफ ही है। फिर तैयारी की एडिशनल ग्राउंड्स बी ट्रीटेड, द एडिशनल ग्राउंड बी विच हैज नॉट बीन टेकिंग इन द पिटिशन एज एन इंटेग्रल पार्ट पिटिशन का पढ़ा जाए, कि जो नया काम प्रोसिक्यूशन ने किया मेरी रिट में कहीं जिक्र नहीं है। बताना क्या चाह रहा था, बैड फेथ, मेला फीडे, पुलिस के भी आफ पर पुलिस पर्चा दर्ज कर रही है और पुलिस को जुर्मों का नहीं पता कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। जो लगाया चीफ साहब ने कहा ये नहीं बनता, तो उन्होंने कहा अच्छा 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 एक मौका होर दियो, एक बड़ा लतीफा है, मैं वो लतीफा नहीं सुनाऊंगा, एक मौका होर दियो अब दुरुस्त कर देते हैं क्या जुर्म। तो मैं कह सर आप इस लेवल पे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप ऐसे केसेस नहीं लाते, वो भी एक स्पीच के ऊपर कि दहशतगर्दी हो गई और लिखा हुआ है इस स्पीच से आईजी इस्लामाबाद खौफजदा और दहशतजदा हो गई। मैं क्या फिर उनको आईजी रहने का हक ही कोई नहीं, उन्होंने क्या प्रोटेक्ट करना है इस्लामाबाद की पब्लिक को इफ ही इज टेररिस्ट विद हिज स्टेटमेंट एंड दैट आल्सो वर्क्ड। आगे आते हैं, लिखने में कंजूसी ना किया करें, टाइपिंग में, इट इज योर बेबी, ब्रिंग इट अप द वे यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज ग्राउंड से पहले और FIR के कॉन्टेंट्स के बाद इज योर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन योर केस, इवन इफ इट इज रेपिटिशन इन ग्राउंड्स। लिख दे 3-4 पैराग्राफ कि इस केस के ये हकायक आपके इल्म में होने चाहिए एंड देन कम टू द ग्राउंड्स। और ग्राउंड्स में आपको एक ही ताकीद करूंगा, अगर वही आज अडॉप्ट कर लिया आपने तो बड़ी कामयाबी हो जाएगी। मैंने कम ही केस देखे हैं जिनकी 4 या 5 से ज्यादा ग्राउंडें होती हैं, ABCDE। योर मोस्ट कन्विंसिंग मोस्ट पावरफुल grounds have to be, don't start with that the petitioner is innocent, falsely implicated in the case, he should be granted post arrest bail, zaya, judge ne wahi aapki file band kar deni hai। dusri ground bhi aapne ki settled principle hai pre arrest bail deni chahiye in the case of so and so, zaya, pehle put your case, the what I'm telling you, put your case A
बी सी डी जिसे बेल लेनी है। जूरिसप्रूडेंस आपने लिखनी है या जज साहब ने पढ़नी है या कंसिडर करनी है तो ग्राउंड नंबर 4, 5, 6 के बाद शुरू करें, जितना दिल करता है लिख लो। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स लेनी है बाद में लिखो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स लिखनी है बाद में लिखो। ए बी सी डी में एक जुमला और एक लफ्ज भी जिसने जाया किया उसने जाया किया, उसने अपने प्रॉस्पेक्ट्स बेल लेने के खत्म कर दिए। और मैं नहीं समझता कि ए बी सी से आगे ग्राउंड चलती है, तीन ही होती हैं मेन बातें। द फैक्टर्स तीन होते हैं, अ फैक्टर्स दो और होते हैं, मिला जुला के 5 को ग्राउंडें बनती हैं, वो लिखा करें अब। सो आज एक ये तहैया कर लें, चाहे अपील लिखनी है, चाहे रेट लिखनी है, चाहे बेल लिखनी है, मेरी ग्राउंड ए बी सी डी, ना मैं जूरिसप्रूडेंस लिखूंगा, ना मैं जर्नल बात लिखूंगा, कैटेगोरिक स्पेसिफिक केस को अटैक करूंगा कि मैं ये कहता हूं इस केस में। लैंग्वेज से फर्क पड़ता है उर्दू अंग्रेजी नीचे अगर आप कर रहे हैं बात, ये उर्दू अंग्रेजी सर बात ये। डॉक्टर बासित साहब को सुना है अगर कभी किसी ने, क्या खूबसूरत केस आर्ग्यू करते थे। एक मिसकंसेप्शन है, चंद मिसकंसेप्शंस हैं क्योंकि अहमद कयूम साहब ने पूछी है। फॉरेन क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो नाम नहीं पैदा होगा, बैरिस्टर नहीं हो तो नाम नहीं पैदा होगा, अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो इम्प्रेशन नहीं बनेगा, सब गलत है। जितने बड़े वकील हैं सब पंजाब यूनिवर्सिटी के LLB हैं, जितने बड़े वकील हैं सेंट्रल मॉडल के पढ़े हुए हैं, सेंट एंथनी के पढ़े हुए हैं, लोकल क्वालिफाइड हैं, वेल रेड हैं, अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, क्रॉसवर्ड खेलते हैं। मेरा उल्टा नुकता था, मेरा नुकता था अंग्रेजी वालों को नीचे बेल नहीं मिलती, अंग्रेजी में अगर आप करेंगे वगैरह डू यू अडैप्टेड टू नीचे वाले के लिए। देखिए बाज़कात उर्दू इज द नॉर्म नीचे। देखिए आपने जब तक कोर्ट को रीड ना किया पता ही नहीं किसके पास लगे करना। बड़ा इस सवाल का जवाब दे देता हूँ अहमद कयूम साहब को, ज़रूरी है। अब मुझसे किसी ने पूछा अचानक कैसे, मैंने कहा अचानक ही फ़कीर आता है गाड़ी में झांकता है और कहता है अल्लाह तेरे वालिद को हज करा दे, 100 का नोट लेकर जाऊँगा। अगर बेटी है तो मेरी कमज़ोरी से खेलेगा, अल्लाह तुझे बेटा दे दे, 100 का नोट देकर जाओ। एक लुक में ज़रा फ़कीर को देखें, वो आपसे पैसा लेने का, तो अगर फ़कीर ये कर सकता है जो मांगने और लेने आता है, आप एक नज़र में कोर्ट को क्यों नहीं रीड कर सकते इन्होंने बेल देनी है या नहीं देनी, किसे क्या रिलीफ लेनी है। सो झांकें तो सब कुछ मिलेगा आपको, आप देखना चाहें तो आपको बड़ा कुछ कोर्ट से मिलेगा कि किस जज ने रिलीफ देनी है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, वो केस लॉ सुनेगा। 2-4 सवाल ही आपने पूछ लेने हैं कि मैंने शायद बिलाल साहब के पास जा रहा हूँ, जवाद साहब के पास जा रहा हूँ, पूछ के जाऊँगा। बिला वजह अगर चला गया, आज वकालत जो ये समझता है कि सिर्फ कॉम्पिटेंस है, बैड फेथ, PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट, PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट 151 कि मेलाफिडे अल्टीरियर मोटिव क्या है इन केसों में एक्सप्लेन है, 151 और 3 केसेस और हैं, आपका डायरी बन जाएगी इस पर। 2010 SCMR 624 तो एक कमाल जजमेंट है, कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। 2010 SCMR 624, PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट 677, ये तीनों जजमेंट्स बैड फेथ अल्टीरियर मेलाफिडे के ऊपर। हमें कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप लोग माइक और कैमरा पे सब कुछ बता रहे हैं जाके लोगों को, मैं कहता हूँ ये हक है देना हमारा और आपका लेना, और बताया जा रहा है सारे सीक्रेट्स दे रहे हैं आप लोगों को, मैं किसी तरह प्रोफेशन बचे सही, हमें कोई वो नहीं है कि कोई ले लेगा हमसे, हमें देना चाहिए।
बताना चाहिए, जितने काबिल हम हैं, जितना हमें आता है हम, हाँ, वी हैव टू शेयर इट विद दी कॉलीग्स, विद दी लीगल फ्रेटर्निटी, वट एवर लिटल वी नो. मैं इस पर रुकना चाहूँगा. तहिया कर लें कंप्यूटर टाइप्ड मुंशी वाला बेल का ड्राफ्ट, नहीं चलेगा. तहिया कर लें. मैं एक काम करता हूँ हमेशा, इसको समझ लें, आई ऑलवेज आर्ग्यू माई ड्राफ्ट. क्या नहीं समझे बात को? आई ओनली आर्ग्यू माई ड्राफ्ट. वट एवर इज रिटन आई स्पीक इन द कोर्ट. हार्डली एक दो कार्ड्स होते हैं जो शायद मैं नहीं लिखता कि ये कोर्ट में निकालूंगा. मुखालिफ को नहीं, इस स्टेज पर नहीं पता होने चाहिए, ये निकाल दो. सो ड्राफ्टिंग की इंपॉर्टेंस इतनी खत्म हो गई है कि स्पेशली ड्राफ्टिंग पर ही अगर आप, और देयर वेरी फ्यू पीपल जो ड्राफ्टिंग करते हैं, मोती परोते हैं, और आप देखें कि कितनी जबरदस्त तरीके से. क्रिमिनल में ड्राफ्टिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, सिविल में फिर कुछ बची हुई है. कोई हाल नहीं. मेरे सामने जितनी बेलें आती हैं कि ये हाई कोर्ट आपने जाना है, तो पहले मैं कहता हूं अच्छा ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है. पटिशनर इज अ पटिशनर, देयरफॉर ही शुड बी ग्रांटेड बेल. ना उसके अंदर डेट ऑफ अरेस्ट लिखी होती है, ना उसके अंदर कोई बैकग्राउंड. मैं कहता हूं सबसे पहले डेट ऑफ अरेस्ट पटिशन के अंदर लिखो. द फर्स्ट क्वेश्चन द जज इज आस्क इन पोस्ट अरेस्ट बेल, व्हेन वाज ही अरेस्टेड, सिंस व्हेन इज ही इनकार्सरेटेड. डेट ऑफ अरेस्ट भी लिखो, एज भी लिखो, अरेस्टेड सिंस लिखो, 2 years 3 months precisely on this date. असिस्टेंस दें उनको, पता चल जाए कि उस पॉइंट पर ही वो नहीं लिखी जाती. ड्राफ्टिंग में हट के चीज लिखने पर कोई कंटेम्प्ट नहीं लगेगी, नहीं लगेगी. एज लॉन्ग एज रेलिवेंट बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कानून लिख रहे हैं, बैकग्राउंड लिख रहे हैं, अपनी ग्राउंड्स लिख रहे हैं, नो वन विल क्रिटिसाइज यू. स्ट्रक्चर सीक्वेंस अपना उसको रखें. एनी स्पेशल ग्राउंड्स, नेवर स्टार्ट योर पिटिशन आई एम ओल्ड, आई एम इनफर्म. मेडिकल ना पहले लाओ, पहले फ्रंट फुट पे खेले, मेरिट्स पे फर्दर इंक्वायरी लाए, बाद में ये बातें लाएं. ह्यूमैनिटेरियन, कंपैशनेट, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स, मेरिट्स, इन बातों पर कभी बेलें हुई हैं? नहीं हुई. तो जब आज दिन तक नहीं होनी तो अब कैसे हो जाएगी? पहले केस को तोड़े, बस फर्दर इंक्वायरी पे रहे, डाउट पर रहे, सस्पिशन पे रहे, फ्लॉस पे रहे, डिफेक्ट्स पे रहे, और उन पर भी रहे. पता होना चाहिए. एक बहुत बड़ी चीज सुनते हैं, डीपर एप्रिसिएशन क्या और टेंटेटिव असेसमेंट क्या. बास चीजों की इजाजत नहीं है. 100 बातों की बात तो एक है, उस्ताद के बगैर काम करना तकरीबन नामुमकिन है. उस्ताद का चेंबर ज्वाइन किए बगैर, प्यूपलेज किए बगैर, 2-2.5 साल का के साथ के बगैर, मैं समझता हूं कि, और उसके बाद फिर आपने खुद ABC वहां से सीखा हो, XYZ तक अगर हिम्मत रखते हो, और फिर वर्ड्स खुद बना लो बैठ के, मगर ABC बेसिक बातें वहां से सीख के आती है. वो नहीं सीख कर आएंगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा. फिर वही होगा कि आपने बेल एप्लीकेशन में जिमनी का भी एनेक्चर लगाया होगा साथ में. सर ये जिमनी नंबर 16 में देखें, मैं बेगुनाह हूं, तो जज कहेगा एक केस और ना करें तुम्हारे खिलाफ, 2 बना देते हैं, द मोर द मैरियर. ये बातें कहां से पता लगेंगी? ये आपको चेंबर से पता लगेगी. CRPC में लिखा हुआ है कहीं जिमनी नहीं लगानी. किसी किताब में गाइडेंस है? कहीं नहीं गाइडेंस. डूज एंड डोंट्स तो आपको आपके उस्ताद ही बताएंगे, सिखाएंगे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से, इंडेक्स कौन सी है. सो मैं बहुत क्लियरली, मैं अगर बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक केस को देखता हूं, मैं अपनी ग्राउंड्स लिखनी शुरू करता हूं, मैं क्लाइंट से इंटरेक्ट करूंगा, मैं फैसला करूंगा,
मैं अपना केस लॉ निकलवाऊंगा, मैं अपनी कोर्ट का तायुन करूंगा, मैं पार्टीज दुरुस्त लिखूंगा, मैं केस की ड्राफ्टिंग कराऊंगा, मैं पंच लाइन दूंगा कि मेरी ग्राउंड्स ए बी सी डी ई एफ ये हैं, कोशिश करें कोई ड्राफ्ट आ जाए हमारे पास बैठे बैठे, खान का मंगवा लें, अभी क्वेश्चन मंगवा लें, शहबाज गिल की बेल मंगवा लो, सिर्फ सिर्फ पहला पेज आ जाए जिसमें हम पंच लाइन देते हैं ताकि एक्सप्लेन कर दें हम कहना क्या चाहते हैं, वो अडॉप्ट कर लो तो आप कहोगे कि ड्राफ्टिंग, फिर जो वो लिखा है उसको आगे मीट चढ़ा दे उसके ऊपर कि इसका मतलब ये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कितना उससे तब्दीली और कितना, चार केस लॉ निकाले होंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी असिस्टेंस में तैयारी में और जजेस कितना इम्प्रेशन आपके ऊपर, कि दूसरी दफा जब कोर्ट में जाएं, बड़ा वकील पता है कौन बनता है, कि दूसरी दफा वो वकील आके बैठे तो जज को उसका नाम पता हो कि ये वो है, अगर पहली दूसरी तीसरी दफा आपका नाम ही नहीं जज साहब को पता लगा ना तो 10 साल लगेंगे फिर, या शायद कभी भी ना नाम याद हो, यू हैव टू लीव एन इम्पैक्ट बिहाइंड ऑन द वेरी फर्स्ट हियरिंग, इफ यू डोंट डू दैट यू आर टेकिंग द लॉन्ग रूट, जिसका आप सरकमस्टांसेस, क्या बात हो रही है कि नौजवान लोग जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उसकी एक वजह ये इनको शादी करने की बहुत जल्दी है जी, जी अब आपका वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, मुझे पता था आपने इनको डिफेंड करना है जी, तो अच्छा आगे चलेंगे जरा, ये गर्मी हो गई थी थोड़ी सी, थैंक यू। इंडेक्स को और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को बड़े गौर से देखें, इंडेक्स में विद क्लैरिटी लिखा हो, फैसला करें कि आपके अनेक्सचर्स कौन से हैं, वो मुकम्मल हो तो बेल फाइल करें, क्लाइंट्स को कहें ले कर आए, इसके बगैर बेल नहीं फाइल करेंगे, सिर्फ ड्राफ्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स वुड नॉट कन्विंस जजेस अबाउट मेलाफीडे अल्टीरियर मोटिव, ये उसकी बेटर कॉपीज हैं तो वो उसकी लगी हों, सिर्फ 1000-1500 रुपए का खर्चा आता है केस के ऊपर और उससे आपका इम्प्रेशन बदल जाता है पूरे केस का, 1000-1500 से ऊपर का खर्चा नहीं है, मैं समझता हूँ ये हक बनता है हर हर फाइल का कि एटलीस्ट 1000-1500-2000 उसके ऊपर खर्चा हो, 3 फैसले भी अगर फोटोकॉपी करवा के मंगवाने हैं, हेड नोट्स पे कभी रिलाय नहीं करना, मंसूर अली शाह साहब की लेटेस्ट जजमेंट भी आ गई है, हेड नोट्स नहीं पढ़ने, पूरा फैसला बताओ, हेड नोट कहीं जा रहा होता है पूरा फैसला, पिटिशन डिसमिस हुई होती है जिस पॉइंट पर आप, सो पूरा फैसला पढ़े उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो तो तब उसकी जो है वो बात की समझ आती है। आगे आ जाइए, चेकलिस्ट ऑफेंसेस को देखें, बेलेबल कौन से हैं, नॉन बेलेबल कौन से हैं, पनिशमेंट कितनी है, डेट ऑफ अरेस्ट क्या है, अल्टीरियर मोटिव क्या है, मेलाफीडे क्या है, FIR कब की है, उसमें क्या फ्लॉज हैं, आपको रोल क्या एस्क्राइब्ड है, वायलेंट क्राइम में MLCs पोस्टमार्टम्स होल्ड एनॉर्मस सिग्निफिकेंस, वजह नात क्या है, आपको रिलेट करती है नहीं करती, कोएक्यूज्ड की बेलों का स्टेटस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोएक्यूज्ड का स्टेटस क्या है, हैव दे बीन एनलार्ज्ड ऑन बेल, किसकी बेल कैंसिल हुई है, चलान का क्या स्टेज है, एविडेंस के रिकॉर्डिंग की क्या स्टेज है, जब तक आपके परफॉर्मे पर ये चेकलिस्ट ना हो एक एक सवाल का जवाब, तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना, सो कोएक्यूज्ड स्टेटस, बेल्स का, चलान का स्टेटस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिकवरीज क्या इफेक्ट हुई है आपसे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि क्या व्हाट रिकवरीज इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, ये भी पता होना चाहिए आपको कि मैंने इतने दिन रिमांड के काटे, वो भी आप हाईलाइट करें, उस रिमांड के अंदर मैंने अपनी पूरी तफ्तीश दे दिए और फिर बाज़कात कहीं से बेल लाना हो रही हो तो जजेस कहते हैं ऑफेंस भी सीरियस है, रिकवरी भी हो गई है, मजीद क्या आप रिकवरी करनी है, तो छोड़ देते हैं।
रास्ता निकल आता है केस लॉ के अंदर से, आपने सिर्फ तमाम रास्ते खोलने और मेंशन करने। ये सर अब मेरी फिजिकल कस्टडी इनकार्सरेशन 27 पीडब्ल्यूस का केस है, एक भी एग्जामिन नहीं हुआ, 2 साल लग जाएंगे इसको। सो इतना अरसा मुझे अंदर रखने से व्हाट यूजफुल पर्पस, या वो जो लैंडमार्क प्रिंसिपल्स हैं कि प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेच नहीं किया जा सकता इन फेवर ऑफ इन ऑफ प्रोसिक्यूशन, और बेल कैन नॉट बी विदहेल्ड एज पनिशमेंट। सो बेल जो है वो दी जाए इन डिजर्विंग केसेस। जब आप ये कहेंगे तो जज साहब ये नहीं कह देंगे कि चलो ठीक है पर हम डायरेक्शन दे देते हैं? जी डायरेक्शन तभी होता है बेल की जगह। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेजें, सिर्फ इस फॉर्म भेजने, मैं भी एक सेकंड की ब्रेक ले लूं। आपका डाइल्यूट ही हो जाता है इफेक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि वो कहेंगे चलो ठीक है पर हम डायरेक्शन दे देते हैं आपको नहीं देते। सर इवन इफ चालान हैज बीन सबमिटेड, अब आपके पास मैं केस लॉ साथ लेकर जाता हूं कि सबमिशन ऑफ चालान और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल लेटेस्ट जजमेंट्स हैं 2020-2021 की, इज नो ग्राउंड टू रिफ्यूज बेल इफ ऑन मेरिट्स आई एम एंटाइटल्ड टू बेल। वो पता होना चाहिए जज साहब को, वही वो केस लॉ दे कि मेरे रास्ते कामयाब वकील वो नहीं जो सिर्फ अपना केस पढ़ के जाए, वो जो दूसरे मुखालिफ का वकील का केस सोच के आए कि उसने कहां से आना, नब्स पे हाथ रखे, उसने कहना है सर आप डायरेक्शन दें बेल डिसमिस करें इसकी, तो आप कहें कि सबमिशन ऑफ चालान इज नो ग्राउंड, भेज दिया मुझे, मैं मोहम्मद साहब को भेजता हूं, वो किसी तरह इस चीज को सामने ले आते हैं। सर किसी तरह इसको सामने ले, कंप्लेनेंट की तरफ से है तो आप कैसे नॉकआउट करवाएंगे? चलें ये कंप्लेनेंट की तरफ से तो आप केस को कैसे नॉकआउट करवाएंगे? कैसे अपोज करेंगे? सबसे पहले आप हाईलाइट करेंगे द जेन्युइननेस ऑफ योर एफआईआर, द जेन्युइननेस ऑफ योर ग्रेवेंस, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पिटिशनर, द सीरियस रोल एस्क्राइब टू द पिटिशनर, द नॉन बेलेबल नेचर ऑफ द ऑफेंसेस, the gravity of the offense, the likelihood of absconding, supporting evidence in favor of the allegations, MLC, MLR, 161 के बयान और लोगों के, वो इकट्ठे करेंगे before going to finding of the investigation कि उसमें भी गिल्टी है, तफ्तीश में रिकवरियां भी हो गई हैं, सीरियस पनिशमेंट है, नॉन बेलेबल नेचर है, अभी गिरफ्तारी को सिर्फ इतने दिन हुए हैं, हमारा कॉन्डक्ट ठीक है, चालान भी सबमिट है, तो आप 7-8 बातों में आप अपना केस प्रेजेंट कर देंगे। यूज ऑफ प्रेसिडेंट केस लॉ बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर अंग्रेजी खुद लिखने में दिक्कत हो रही हो तो आपको केस लॉ से रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप जजमेंट को साइट करके वो एक्सट्रैक्ट्स लिख देंगे तो कोई आपको नहीं डांटेगा कि ये क्यों लिखी। ज्यादा लिखने पर और अच्छा लिखने पर और बेहतर लिखने पर कभी मैंने किसी जज साहब को किसी को क्रिटिसाइज करते नहीं देखा, इसी बात पे करते देखा है ना, आपने कोई ग्राउंड ली है, ना आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया है, ना आपने कोई असिस्टेंस दी है, चल ये रहा है, ट्रेंड ही है, पैटर्न ही है। सो अगर आपके बैकग्राउंड में ऐसी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो तो आप देख लें कि फिर आपने मेयार, अच्छा वकील वही है सर जो ये सारे काम करके जाता है उसी को, अगर आपके पास ओदा नहीं है तो फिर क्या तरीका है
to be a successful practitioner. It is only hard work. There is no other recipe. There is only professionalism, और उसकी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है उसकी. सो मल्टीपल सेट्स लेकर जाएं केस लॉ के, जज साहब के लिए भी हो, आपके लिए भी हो. बात वही है, 1000-1500 से ऊपर का खर्चा नहीं है. 2 या 3 फैसले होते हैं जिनकी फोटोकॉपी करा के 2 सेट रखने, थोड़े से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगा के रखने. सो यूज ऑफ प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंट रिलाइंग ऑन सिमिलर केसेस एंड केस लॉ एंड डिसीजंस वुड हैव लॉट ऑफ पर्सुएसिव इफेक्ट. Although each case has its own circumstances, but nevertheless, इसका बड़ा अहम जो है वो अमल दखल है. इसका रिकॉर्ड के प्रेसिडेंट का रिकॉर्ड और फैक्ट्स के साथ कैसे रखते हैं आपको? I mean, आपने यू क्या? मेरे पास. How do you do this? I belong to the old school. I maintain a register. मेरी जो टीम है वो मिनट में फोन से कुछ करती है, ये निकाल लाती है. ये सो अक्सर हम गाड़ी पर मोटरवे में जा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इंटरनेट होता है. तो मैं उन्हें कहता हूँ वो केस, वो साइटेशन, वो पोर्शन, तो स्क्रीनशॉट्स रेलेवेंट पैराग्राफ्स के वो पढ़ा रहे होते हैं. मैं अपने नोट्स, मोबाइल फोन, 3 फोन, 1 लैपटॉप रस्ते में काम हो जाता है. फिर कहते हैं, एक मैसेज पीछे जाता है कि ये फैसला पूरा भेजा जाए. 4 पूरे फैसले आ जाते हैं. इस्लामाबाद बताया जाता है लाइब्रेरियन को कि 4 केसेस निकाल लो. अब जरा मैं देखना चाहूंगा इसको ग्राउंड ए स्पीच से. ये शहबाज गिल नहीं है, ये इमरान खान है. क्वेश्चन की कोई ग्राउंड नहीं बनती. नो थ्रेट्स वर एक्सटेंडेड. सी एग्रीव्ड पार्टी तो आगे आई नहीं है. ना मैडम जेबा ने पर्चा किया है, ना आईजी ने किया है. पराई जांच पे अब्दुल्ला दीवाना कोई और ही शख्स है जो कह रहा है पर्चा होना चाहिए, वो क्यों आया? उसकी लोकस स्टैंड आई नहीं बनती. डी ऑब्जेक्ट और डिजाइन सेक्शन 6 और 7 के टेररिज्म के वो ही नहीं अट्रैक्ट हो रहे. ई असेंशियल इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट में वो कह रहे हैं एक्टसरिया और मेंजरिया साथ में मिलेंगे तो दहशत गर्दी होगी. गुलाम हुसैन केस लेटेस्ट, तो वो देखा ही नहीं है. नेक्स्ट, उसकी स्टेट मशीनरी मिसयूज हो रही है पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए. नेक्स्ट अल्टीरियर मोटिव है. और आई के मेलाफीडे विजिबली एपरेंट सेक्शन 6 और 7 की इन द एब्सेंस ऑफ पीपीसी 1860 ये स्ट्रेच किया जा रहा है. सो दिस इज हाउ वी गिव आर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स. इसको डेवलप करना शुरू करें और उसके बाद पूरी पिटिशन तो अगर मैं कर दूंगा. 2 चीजें मुझे भिजवाएं, शहबाज गिल की पोस्ट अरेस्ट बेल और ये भिजवाएं मैं अहमद कयूम साहब को देता हूं या कोई और भी जो आप मुझे डायरेक्टली भेज दो. आपको आपका इनके पास नहीं होगा. 0300-8456 ताकि वो सारों से एक पैटर्न शेयर कर. 5, 6, 1, 1, 9. तो इसमें आपने केस लॉ वगैरह नहीं है, कोई इस तरीके से डिसाइड करते हैं आपने? ऑलराइट जी, सारा हम करते हैं. अब वो कैसे करते हैं? आप वो कह रहे हैं कि कोई केस लॉ आप साइट करते हैं, आप पूरी पिटिशन जरा भेज दें. आप देखिए ना, मैंने कहा है मेनली ऑन द ग्राउंड्स एंड देन वी गिव पंच लाइन और मेन बुलेट पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच. मैं इस पर आया हूं, फिर बाद में हम लेवरेज. सो 2 मौकों पे वो कहते हैं ना प्रेयर में बताओ, जजेस प्रेयर पढ़ते हैं या शुरू में क्या लेने आए हो, क्या मांगने आए हो, क्या चाहते हो, क्यों दे दें. मैंने किसी भी आजकल पिटिशन में बस पिटिशन फाइल हुई होती है, कोई मौजा हो जाए, कोई गायब का इल्म आ जाए और आप दे दें. मैंने लिख कर भी नहीं बताना, मैंने बोल के भी नहीं बताना, मैंने कोई असिस्टेंस भी नहीं देनी. रिलीफ मिल जाए, रिलीफ कैसे मिले?
especially when the judges make up their minds the night before, when they read your petitions. Padh ke aate hain. In the meanwhile, hum wapas uspe. रुकवा दिया था पहली पेशी पर कि चलान नहीं सबमिट करें। अच्छा अब आपको देखे समझ गया हूं मैं आपकी बात। देखिए अब यही बात है, कर्नल शाह सादिक का केस आया, रमदे साहब की जजमेंट आई, जिसके बाद स्कोप बड़ा नैरो हो गया क्वेश्चन का। उन्होंने कहा अल्टरनेट रेमेडीज मौजूद है, पहले वो जाके अवेल करें। तो देखिए जो चीज भी लेने जा रहे हैं उसके ऊपर जितना कानून डेवलप हुआ है उसको पढ़े बगैर अगर हम जाके रिलीफ मांगते तो वो नहीं मिल नहीं सकता। पता होना चाहिए कि आपने उसमें से कैसे बाहर निकलना है। मैंने आप वाली बात अतर मनेला साहब को कही कि सर मैंने आज ये पिटिशन मूव की है ना, इन्होंने अगली पेशी पर आकर कहना है हमने तो चलान सबमिट कर दिया है, ताकि मेरी पिटिशन टेक्निकल नॉकआउट हो जाए। उन्होंने कहा ये आप नहीं करेंगे। सो जो उसने कहना है ना वो आप कह दे, वो आप कह दे पहली पेशी। इन द मीन वाइल आईओ इज डायरेक्टेड टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिगेशन बट नॉट टू सबमिट चलान टिल दिस पिटिशन इज डिसाइडेड बाय दिस कोर्ट। ये आप अपने इंटरिम का ऑर्डर लें, ठीक है जी। आ रही है, लग रही है। पोस्ट रेस्ट बेल सिमिलरली प्रिंसिपल्स, मेलाफिडे और अल्टीरियर मोटिव भी हाईलाइट कर रहे हैं। फर्दर इंक्वायरी 497 सबसेक्शन 2 पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जजेस ये बहुत देखते हैं डिटेंशन कब से, डेट ऑफ अरेस्ट क्या है, पटिशनों में उसका जिक्र किया करें। और अब मैं मोहम्मद साहब को ये कहूँगा कि अब मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ कि जितना केस लॉ सामने आता है आपके साथ शेयर भी हो जाएगा। लॉ ऑफ बेल पर जितना ज़बरदस्त हमने आज दिन तक जिन केसेस पे हम रिलाय करते हैं, फोटोग्राफ्स बनाते जाएं, बाद में लिखते जाएं, ताकि हम तो 5 मिनट्स में केस लॉ हम कर लें। आपने स्नैप ले लिया तो हम आगे चलते हैं। स्लाइड्स अवेलेबल होंगी सारी की सारी, अभी आप फॉरेन ग्रुप के ऊपर ठीक है जी। अगली स्लाइड आप इनको दे दें प्लीज। अच्छा चले आप ये देखें, ये प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल पे है। मुझे पता था सबसे ज्यादा आपने खुश होना ही केस लॉ की तस्वीरें लेके, ये मुझे पहले ही पता था। तो मैंने कहा था दो जितना खजाना है निकालो सही, खजाने खजाना शेयर करने के बाद भी अगर आगे शेयर कर, आप प्लीज, मैं चाहता हूं एक आपको पता चल जाए हम केस कैसे तैयार करके जाते हैं। और ये अब छाप मेरे अगर 8 बच्चे बैठे इनका ड्राफ्टिंग का अंदाज वही है जो मेरा है, वही स्टाइल रखते हैं कि जो सीख कर आए। मल्टीपल केस लॉ जी, प्री अरेस्ट की बेसिक प्रिंसिपल्स। ये जब आप देखिए इतना केस लॉ शेयर कर दिया है कि तस्वीरें ना ही बनाए, रात को बैठ के अपनी डायरियां भर लें और आने वाले वक्त को सिर्फ अपडेट करें इस केस लॉ को, कि तमाम कैटेगरी ये कौन सी स्टेट ऑफ अरेस्ट पे आ गई कि नहीं कर रही गिरफ्तारियां, सुगरा बीबी है, कब हाईकोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं बेल लेने, ये वो केस लॉ है, केसेस ऑफ बेलेबल में कब है, नॉन बेलेबल में, लैंडमार्क केसेस, तारिक बशीर, मैटर ऑफ राइट कब होगा, ये जब बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, फर्दर इंक्वायरी पर केस लॉ है जी, बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस कैन बी रिफ्यूज्ड, ये केसेस हैं कि जिन पे रिफ्यूजल हो जाएगा।
वैसे अगर आप सजेस्ट करें आप बड़े, तो ताकि ये यंग जनरेशन खुद सारा केस लॉ ढूंढे और पढ़े आज के लेक्चर से मोटिवेट होके, अगर आप कहें तो मैं केस लॉ डिलीट कर दूं सारा, मैं अपने पास रखूंगा, आपको नहीं देता। आज जो मेन तोहफा दिया ना, ये देखिए मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल है, मैंने सब कुछ इसमें, सारी बातें यहां नहीं हो सकती। क्रैश प्रोग्राम 2020 का मैच हम खेल रहे हैं, तो ये लिखा हुआ सारा कुछ आ गया है, इस लेक्चर को देख भी लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, यहीं पर अवेलेबल है, रापता नंबर भी एंड में दिया हुआ है, ईमेल करके कोई चीज़ लेनी है आपने वो भी। और एक मैं चाहूँगा कि अहमद कयूम साहब, अगर बिफोर आई से गुड बाय टू यू, एक अहमद कयूम साहब पूरी रिट पिटिशन को ज़रा अगर चला सकते हैं। एक दो सवाल जनाब से क्विकली करने थे, एक तो सेकंड वेल एप्लीकेशन का आपने बीच में बता दिया, फरक ग्राउंड्स पे होती नहीं, मैं सवाल बड़े तराश के रखते हैं। नहीं नहीं, मैंने फौजदारी काक नहीं आती, मैं सीख रहा हूं। आपने कमाल बात की है ना, जजेस का इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट व्यू है, सेकंड वेल एप्लीकेशन विल ओनली बी एंटरटेन्ड इफ देयर आर न्यू ग्राउंड्स एंड फ्रेश ग्राउंड्स, और उससे भी ज्यादा आपके लिए दिक्कत तब पैदा होती है, वो कहते हैं कि वो ग्राउंड्स हमने एंटरटेन नहीं करनी जो मौजूद थी और आपने उस वक्त नहीं ली अपनी नाअहली की वजह से। सो सेकंड बेल एप्लीकेशन उसी बात पर होती है कि सब्सिक्वेंट टू द डिसमिसल ऑफ द फर्स्ट, समथिंग न्यू विच चेंजेस द कंप्लेक्शन ऑफ द केस एंटाइटलिंग द अक्यूज्ड or which has exposed or revealed the bella fide, ulterior motive or further inquiry for the accused, subsequent bail applications will only be entertained. Medical ki koi baat aa jaye, aisi ground jo exist karti thi aur aapne tab li na ho, wo entertain nahi hogi. Judge sahab kehte hain ki aap wapas, judge sahab nahi maan rahe to wo kehte hain ki main aap wapas lete hain ki wahan pe kya kiya karna chahiye jab aap withdraw karte hain ji, tab aap आप वापस देखिए। हाँ, सो मेरिट पर खारिज आपके लिए आसानी हो जाती है। अब ट्रेंड मैंने तो आपको बता दिया कि बेल का ऑर्डर लिखवाना नहीं चाहिए, मगर उसमें अगर तो आप, आपके लिए दिक्कत तब होती है अगर आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रोग्राम है और आपको पता है कि बेल बनती है और जज साहब नहीं दे रहे, तो मैं कहता हूं ऑर्डर लिखें, जरा दिक्कत उनको भी हो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं कन्विंस्ड हूं मैं ऑर्डर लूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जेन में रखें आप अपनी विजन्स को इतना महदूद ना रखें, आप सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाना है इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट कहती है सिर्फ ऑर्डर निकालो और उसमें फ्लॉ बताओ क्या, क्यों जी वो हमें ऑर्डर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, अगर ऑर्डर में कुछ लिखा ही नहीं है फिर सुप्रीम कोर्ट को सारा केस देखना पड़ता है जो वो उस मूड में नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में जजेस 9:30 आते हैं और 10:30 काम खत्म हो जाते हैं, एक घंटे में हमें थैंक यू वेरी मच कह दिया जाता है, बहुत कम केसेस होते हैं जो सक्सीड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस सिर्फ उसको मिलेगा जो इन लेक्चर्स और इस कोर्स पे अमल दरामद करेगा, मैं ये भी बताऊं लाइसेंस ही नहीं मिलना, कैरियर हाई कोर्ट पे ही खत्म हो जाएगा। उसकी तैयारी ये कि आप अपनी, पूछा जाता है ना कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, कैसे आएंगे, वो तब आएंगी जस्टिस जवाद हसन साहब के मशवरे पर अमल दरामद करोगे जो उन्होंने मुझे दिया, मैंने आपको आगे दे दिया कि जजेस के लिए तैयार करके लेकर जाए खूबसूरत तरीके से। कि ये तीन चीजों का स्कोप बहुत नैरो है, अपील अगेंस्ट एक्विटल, एडिशनल एविडेंस और कैंसलेशन ऑफ बेल। कैंसलेशन ऑफ बेल नंबर वन जो हमारा सेटल्ड प्रिंसिपल है, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनल ग्राउंड्स आर रिक्वायर्ड टू रिकॉल अ बेल ऑर्डर। What are those strong and exceptional grounds?
कि बेल जो दी ग्रांट की गई दैट वॉज अगेंस्ट द रिकॉर्ड अगेंस्ट द मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एरोनियस एप्रिसिएशन एंड एन एरोनियस ऑर्डर इज द मेन ग्राउंड. लैंडमार्क जजमेंट कैंसलेशन पे 2020 SCMR 1115 है. 2020 SCMR 1115. सो कैंसलेशन में उसी कोर्ट के पास होता है कैंसलेशन ऑफ बेल अगर तो ब्रीच है ऑर्डर का उसी कोर्ट का breach of bail order कोई bail condition तो you can go to the same court or would be filed in the high court under 497(5) and these powers are very rarely exercised if whilst on custody there is evidence of interference with the evidence commission of further offences misuse of the concession of bail. बाहर के मुमालिक में बेल के ऊपर होते हुए लोग बहुत केयरफुल होते हैं. जरा सी बेहतियाती हुई नहीं तो आप बहुत हैरान होंगे. मैं चाहूंगा कि जरा देखें इंडियन कोर्ट्स की अप्रोच देखकर मैं बहुत हैरान हुआ. कोई ग्लैमरस बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी. शाहरुख खान के बेटे का जरा बेल ऑर्डर देखिएगा कि क्या क्या कंडीशंस रखी हैं उसके. आपको पता लगेगा इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस कितनी तेजी से विद चेंजिंग टाइम्स बदल रही है. शायद उसमें ऐसी बात भी है नौजवान है ना रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाओगे घर से कुछ ऐसी बात भी है. तो वो डेवलप हो रहा है वहां का लॉ. उसको जरा आप शहबाज गिल का जरा दिखा दे जी. ये आप देखिए कि ये हमारी इंडेक्स है नीचे आ गए. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे अनेक्सचर्स कि किन किन बातों पे एवरी डॉक्यूमेंट हैड सिग्निफिकेंस वी रिफर टू इट. ये सारे ऑफेंसेस किसी में कोताही नहीं करनी. इस पैराग्राफ की जरूरत होती है हर जजेस के लिए. पहला पैराग्राफ जजेस के लिए ऑर्डर लिखवाने में बड़ी आसानी होती है पिटिशनर से एक पोस्ट अरेस्ट बेल इन एफआईआर. नहीं नहीं पहला पैराग्राफ हमेशा सारे लिखते हैं कि बस जो ऊपर लिखे आप ना लिखें आप ना लिखें मैं और द और दैट से भी शुरू करने की भी कोई जरूरत नहीं. अच्छा अब एक मिनट रुक जाए. ग्राउंड नंबर 2 देखें. अब देखें आप पढ़ लें ग्राउंड नंबर 2 स्क्रीन्स आपके सामने कि हम क्यों बेल मांगते हैं. अच्छा जी इसको अब मैं तेजी से जरा ग्राउंड्स के बाद अब ये देखिए. अब ये बैकग्राउंड पैराग्राफ 3 में हमने बैकग्राउंड लिखा. पैरा 4 में इसका लिखा प्रोफेसर है यहाँ पढ़ाया वहाँ पढ़ाया तरीके इंसाफ ज्वाइन की मुझे बुलाया मैंने एक इंटरव्यू दिया उसके बाद एक मेरे ऊपर FIR हुई मुझे बहुत बुरे तरीके से अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद मैं इतने अरसा मैं कस्टडी में रहूँ मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ मेरा रिमांड लिया गया एक वो अलहदा जो सारा सर्कस और उसके बाद मैं कहता हूँ मुझे बेल दे और मेरी ग्राउंड्स ये हैं. सिविल के अंदर फ्रॉड के अगेंस्ट इसकी मैलाफिडे की होती है यू हैव टू स्पेल आउट के फलां बंदा इसके अंदर करने की जरूरत होती है. यू हैव नॉट नेम्ड एनी नेम्स. नो
नहीं, नहीं जरूरत है। वो हवाई मखलूक। ओके जी, हवाई मखलूक फ्लाइंग। ए बी, मेरी कोई जनरल ग्राउंड आप नहीं देखेंगे। सी, मैं किसी केस लॉ का भी जिक्र नहीं शुरू कर रहा। डी, अब मैं यहां रुकता हूं, मैं यहां रुकता हूं, इस इधर रुकता हूं कि मैंने इस केस का हवाला क्यों दिया। मेरे ऊपर इल्जाम यह था कि आपने लोगों को कहा है कि कोई गैर कानूनी बात नहीं माननी अपने सुपीरियर की, तो मैंने कहा वो तो सुप्रीम कोर्ट में असगर खान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इलीगल ऑर्डर्स नहीं मानने, कायदे आजम की अपनी स्पीच में था कोई इलीगल ऑर्डर्स नहीं मानने। ई, अब ये देखिए ये पूरा जजेस के लिए भी आसानी है ऑर्डर देने में। एफ जी, अभी तक ग्राउंड्स चल रही है मेडिकल, अब मैंने मेडिकल शुरू किया है जी पर लाकर, मेडिकल से आगाज नहीं किया मैंने, कमजोरी है। मैं क्यों कहूं मैं बीमार हूं, मैं ये अक्सर वकला बात यहां से शुरू कर रहे होते हैं, पहले इस पर कभी नहीं बेल होनी। यू कैन, तारिक सलीम शेख साहब भी दे रहे हैं, जवाद साहब भी दे रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। सर आप इंप्रूव करें 2022 के मुताबिक। मैंने कहा इट इज योर बेबी, बिल्कुल दे आप हेडिंग्स। यहां पर मेडिकल को लाया हूं, आई पर आ गए जे, आप केस लॉ शुरू कर दिया। टॉर्चर की तस्वीरें लगाई थी? नहीं। अच्छा जी, मैं नहीं नहीं मैं जनरली आई वाज आस्किंग के जनरली करने के सिंपथी आर्टिकल 1, आर्टिकल 164 ऑफ कानून शहादत को भी काफी डेवलप होने की जरूरत है, उस पर रहनुमाई भी चाहिए, जजमेंट्स भी चाहिए कि उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी का एविडेंस, ये अब दिन आने वाले वक्तों में टेक ओवर कर जाना है इसने कम्प्लीटली, ये थोड़े दिनों की बात है। प्रेयर मैंने बड़ी छोटी सी लिखी है कि मुझे आजाद कर दे, मुझे बेल दे दे। पोस्ट रेस्ट बेल भी जो मैंने ऊपर बातें लिखी हैं उनकी रोशनी में, अंडर दी सर्कमस्टांसेस एंड इन लाइट ऑफ दी सबमिशंस, प्रेयर सर छोटी होती है, मुख्तसरी रखना चाहिए और विद क्लैरिटी। कोर्ट्स मल्टीपल प्रेयर्स को पसंद नहीं करती, मल्टीपल प्रेयर्स को और अगर 497 में वो पर्चा क्वाश तो नहीं ना कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक ही रिलीफ है कि ठीक है जी आपकी पिटिशन एक्सेप्टेड, बेल ग्रांटेड, इसे बियॉन्ड जाना नहीं है इसने। तो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज टॉक, बार ऑलरेडी शाम हो चुकी है। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड यू लिसन टू द लेक्चर विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट whilst having your attention intact. It is a compliment. It is a compliment to you, sir. कि उसको कहते इतनी देर इतनी concentration के साथ दोस्तों ने आपको किया है. Because वकील अमूमन दूसरों से अपने से कि इसको कहते हैं achievement के अंदर अगर किसी को बेहतर consider करता है उसी से सीखता है. And सारे के सारे आपका यहाँ पे आना, अपना क्या कीमती वक्त हमें देना, उसका हम तहे दिल से आपके लिए शुक्रगुजार हैं. It is actually a truly an honor for us.